Thought I'd find a way. Thought I'd find a way, yeah. अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू आर फाइन। तो आज हम अपनी रिपोर्ट्स बना रहे थे क्योंकि हमारे हॉस्टल में स्टार्ट होने वाला है एनुअल हॉल फंक्शन, जो कि 22 तारीख से इसकी शुरुआत है। और इसी सिलसिले में हम जितने भी पोस्ट होल्डर हैं, सारे हॉल कमेटी जो है एक्टिव हो चुकी है, अपने काम निपटा रही है। तो यहाँ हम रिपोर्ट बना रहे थे और साथ ही में चाय बना रहे थे क्योंकि हमारे पास मिल्क पैकेट नहीं था। तो यहाँ पर हम चाय बना रहे हैं बिना दूध के, बल्कि हम बना रहे पाउडर से, गरम पानी, पाउडर, चीनी और चाय पत्ती, ये सब से हम चाय बना रहे जुगाड़ वाले, क्योंकि आधी रात में कहाँ से हम मिल्क पैकेट लाएं। एंड आई वॉज ट्राइंग फॉर द फर्स्ट टाइम, पर इतनी बुरी नहीं थी, सही थी, अच्छी थी चाय, काम चलाऊ थी बल्कि। और ये हमारी रिपोर्ट तैयार हो रही है, अभी हम डिसाइड कर रहे हैं कि क्या होना चाहिए बैकग्राउंड में, सारी चीज़ें। और दूसरी तरफ गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी तो मैंने सोचा कि चलो विंडोज़ खोल लेते हैं ताकि कुछ हवा आए, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी, उमस हो रही थी रूम में, ऊपर रूम होने की वजह से ये बहुत ज़्यादा खोलता है इस वजह से। और सैटरडे को हमें नाश्ते में मिलता है चने, हलवा और चाय। आज की चाय भी बहुत अच्छी थी, मतलब मैंने एक नहीं, दो नहीं, काफ़ी 3-4 बार पी। तो सुबह सुबह उठने के बाद ये फ़ायदा रहता है कि आपके पास करने को बहुत कुछ रहता है। तो फिर मैं डिपार्टमेंट गई और मैंने सोचा था अभी मेरे पास बहुत वक्त है और एक दिन पहले ही मैं प्लान कर लेती हूँ कि मुझे अगले दिन क्या क्या करना है। उसके लिए बस एक पीसफुल माहौल चाहिए, या तो लाइब्रेरी चले जाओ या तो अपने सेमिनार ही में करो। तो इसलिए मैं सवेरे जल्दी उठ के चली गई डिपार्टमेंट। फिर ये सब काम करने के बाद हमें कुछ काम था बैंक में, तो हम वहाँ से बैंक गए।
बाद हम गए लाइब्रेरी कैंटीन, मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी कैंटीन, वहाँ पे जूस पीने गए और मैंने लिया वाटरमेलन का पहली बार ट्राई किया और शबी ने लिया मिक्स जूस। वहाँ पे हमने डिस्कस किया कुछ इंटरेस्ट के बारे में, जो बैंक से इंटरेस्ट निकलता है उसके सिलसिले में, और फिर वहाँ से हम गए अपने डिपार्टमेंट, बाकी सारे काम यही सब किया और फिर हॉस्टल वापस आ गए। हॉस्टल आते ही मुझे लगी थी बहुत तेज़ भूख, तो मैंने सोचा कि खाते ही हुए ऊपर जाऊंगी अपने रूम में, और मैंने अपनी सीट बुक करा ली जो कि कूलर के सामने रहती है। सबसे सही गर्मियों में डाइनिंग का एरिया रहता है क्योंकि कूलर एकदम ठंडा किया रहता है। तो वहाँ से मैंने लिया सब्ज़ी और मुझे लगा था कि लौकी की दाल बनी है, मैं तो खुश हो गई थी क्योंकि उसमें लौकी थी, लेकिन पता चला ये सांभर है, जो कि अच्छा था, मस्त था खाना। आने के बाद फिर मैंने जोहर की नमाज़ पढ़ी क्योंकि लेट हो रही थी, और फिर एक हल्की सी नैप ली, और फिर वीडियो भी एडिट करना था, उसमें काफ़ी टाइम गया मेरा, और यही सब करते करते शाम हो गई। और शाम में यहाँ प्रैक्टिस स्टार्ट हो जा रही है क्योंकि स्पोर्ट्स इवेंट है, और फिर रात में मीटिंग बैठी, हम मीटिंग में गए और वहाँ पर तराने की प्रैक्टिस स्टार्ट हुई और मैं भी शामिल हूँ इस बार तराने में। चमन है मेरा चमन, मैं अपने चमन का बुलबुल हूँ। मेरा चमन है मेरा चमन, मैं अपने चमन का बुलबुल हूँ। सरशार निगाहे नरगिस हूँ, पाबस्ताए गे सुए सुम्बुल हूँ। तो सैटरडे के लिए बस इतना ही, ये था हमारा सैटरडे का दिन। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।